सो हेलो मेरे लेडीज एंड लेडाज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों यार, मुझे आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मिल गया था, क्योंकि यार मैंने उस टॉपिक में देखा था कि यार अगर क्या होता वन पीस के यूनिवर्स में अगर स्ट्रो हैट क्रू के पास डेल फ्रूट पावर्स होती, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि उसके हर एक मेंबर के पास डेल फ्रूट पावर होती, तो यार वो लोग वन पीस के यूनिवर्स में क्या ही धमाल मचा देते और यार वो लोग अभी क्या अचीव कर पा रहे होते। तो यार इसके बारे में बात करेंगे आज फुल टू वीडियो के अंदर। तो यार अगर आपको देखना है तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो यार अभी बात करें तो स्ट्रो हैट क्रू एक लूफी की पायरेट गैंग है जिसको नाम दिया गया है स्ट्रो हैट क्रू। ओके, सो यार कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो यार इस क्रू के अंदर मैक्सिमम बंदे हैं 9 अभी तक, जहां तक मैंने वन पीस देखा है उसके अंदर 9 बंदे हैं अभी तक। ओके, सो अभी तो मैं मरीनफोर्ड आर्क तक पहुंचा हूं और वहां पर व्हाइट बियर ने नेवी के सामने वॉर छेड़ दी है और यार बहुत ही मस्त फाइट कर रहे हैं वो लोग। और यार व्हाइट बियर का एटीट्यूड देखकर यार भाई मजा ही आ गया, और भाई उसके बैटलिंग स्टाइल देखकर तो ओहो हो यार एक नंबर मजा आ गया। मगर यार मेरे जैसे गाली देने वाले लोगों, यार आप लोग माँ बाप की गाली दे देना व्हाइट बियर पायरेट्स को, मगर यार कभी भी उनको दादाजी के ऊपर गाली मत देना, क्योंकि वो लोग बहुत ही बुरा पेल देते हैं अगर बात दादाजी पर आती है तो। ओके, सो यार टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं जल्दी से और व्हाइट बियर को थोड़ा साइड में कर देते हैं, क्योंकि यार उनसे मुझे काफी डर लगता है। तो दोस्तों बात करें स्ट्रो हैट क्रू की, तो यार इस क्रू के अंदर टोटल 9 बंदे हैं और उनमें से 4 लोगों के पास डेल फुट पावर है, जिनमें आते हैं मंकी डी लूफी, चॉपर, निको रॉबिन एंड ब्रूक। और इनके अलावा और भी इसके अंदर 5 मेंबर है जिसके पास डेल फुट पावर नहीं है, और उनका नाम है जोरो, सांजी, नामी, फ्रेंकी एंड उसोब। ओके, ये 5 बंदे के पास कोई भी डेल फुट पावर नहीं है, मगर हमारे इचिरो ओडा ने पहले ही ये डिसाइड कर दिया था कि यार अगर स्ट्रो हैट क्रूज के पास अगर डेल फुट पावर होती तो यार इन 5 बंदों को कौन से ऐसे फ्रूट मिलते जिसके बदौलत ये लोग लूफी को पायरेट किंग बनाने में थोड़ी सी भी यार मदद कर पाते। तो यार आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन। सो यार सबसे पहले आती है हमारी नामी, जो कि यार काफी गुड लुकिंग गर्ल है और ये काफी ब्यूटीफुल भी है। यार मुझे बोलना नहीं है। ओके सर, तो यार इसके पास अगर डेल फुट पावर होती तो यार इसके पास आता गोरो गोरो नोमी, जो कि यार वन पीस में हमने देखा था इनेल के पास, जो कि यार काफी अच्छा डेल फुट पावर है। ये यूजर को अलाउ करता है लाइटनिंग को कंट्रोल करने की यार, और यार हमने देखा था कि इनेल कितना ज्यादा पावरफुल था, ये लिटरली यार इस फ्रूट को डिजर्व करता था, क्योंकि यार ये एक गॉड की पोजिशन भी होल्ड कर पा रहा था इस डेल फ्रूट पावर से। तो यार आप लोग सोच ही सकते हो कि यार अगर ये नामी को मिल जाता तो यार नामी कितनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और यार वैसे भी ये डेल फुट पावर नामी को काफी ज्यादा सूट करता है, क्योंकि यार नामी एक नेविगेटर है और यार नेविगेटर को यार बिजली की शक्ति दे दो तो यार मजा ही आ जाए। और यार कौन लोग है जो कि यार नामी को बिजली के रूप में नहीं देखना चाहते यार, क्योंकि हमें आज बिजली भी गिरवानी है। एंड देन बात कर लेते हैं हम जोरो के बारे में। तो यार जोरो विदाउट डेल फुट पावर काफी यार स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है स्ट्रो हैट क्रू के अंदर, और वो एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी है, तो यार उसको कोई डेल फुट की जरूरत तो है नहीं, मगर अगर उसके पास होता डेल फुट तो उसको मिलता काइडो का वो मिथिकल जोन टाइप डेल फ्रूट, जो कि यार यूजर को अलाउ करती है ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने का। तो यार दोस्तों ये देखो यार, ड्रैगन तो काफी देखने में खतरनाक और सेक्सी होते हैं, और अपना जोरो तो यार पहले से ही सेक्सी मुंडा है अपना। सो यार दोस्तों यार ड्रैगन की जो पावर है वो यार जोरो के ऊपर बिल्कुल ही फिट होती, सूट होती और एकदम धमाकेदार लगती जोरो के ऊपर, ये हमारे इचिरो ओडा ने बताया था एक इंटरव्यू के अंदर। और फिर यार इसके बाद आता है अपना सांजी, अगर सांजी के पास कोई भी डेल फ्रूट पावर होती तो उसको मिलता सुई सुई नोमी, जो कि यार इस डेल फ्रूट पावर को हमने देखा था वन पीस में सेन और पिंक के पास, ये यूजर को अलाउ करती है किसी भी सरफेस के ऊपर स्विम करने का। हाँ, वो किसी भी टाइप का सरफेस हो वो यूजर इस डेल फ्रूट पावर को ऑब्जर्व कर उसको स्विम कर सकता है, यानी कि यार अपना सांजी किसी भी सॉलिड थिंग के आर पार जा सकता है, थ्रू आउट और थ्रू इन हो सकता है, इजीली वो स्विम कर सकता है। तो ये डेल फुट पावर सांजी के लिए काफी बेस्ट रहती है, क्योंकि यार वो अपनी किकिंग स्टाइल बैटलिंग के लिए जाना जाता है और वो एक ब्लैक लेग भी है, तो यार उसको ये डेल फुट पावर बिल्कुल सूट होती है, ऐसा इचिरो ओडा ने बताया था
एंड देन उसके बाद आता है अपना उसोप। तो यार उसोप तो यार स्ट्रो हैट क्रू में काफी यार वीक बंदा है, हम ये कह सकते हैं। उसके पास इतनी ज्यादा स्टेमिना और एनर्जी कुछ एबिलिटी है नहीं, मगर यार वो इसके बावजूद भी एक काफी अच्छा स्नाइपर है। और यार इसी बात के लिए यार उसको मिलता पोके पोके नोमी, जो कि यार यूजर को अलाउ करती है इनफाइनाइट पॉकेट बनाने के लिए अपने अंदर ही। यार वो अपने अंदर ही इनफाइनाइट पॉकेट बना सकता है, जहां पर वो रख सकता है अपने गैजेट्स, गोला बारूद, अपने यूनिक यूनिक बैकअप वेपन्स, जो कि यार उसको क्लोज कॉम्बैट बैटल में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। और यार अगर ये डेलफुल पावर उसोप के पास होता तो यार लिटरली यार उसोप गॉड बन जाता है, वो गॉड की पोजीशन डिजर्व कर जाता अगर इसके पास ये डेलफुल पावर एग्जिस्ट भी करती तो। और फिर यार आखिर में हमारा एक ही बंदा बचता है जिसका नाम है फ्रैंकी, जो कि है एक साइबोर्ग, वो आधा इंसान है और आधा रोबोट है। वैसे तो यार फ्रैंकी को कोई भी डेलफुल पावर नहीं चाहिए और यार उस पर कोई भी डेलफुल पावर सूट भी नहीं करेगी, मगर यार अगर उसके पास होती ऐसी पावर तो उसको मिलती बुकी बुकी नोमी, जो कि हमें वन पीस में देखा था बेबी फाई के पास। ये यूजर को अलाइव करती है अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को वेपन के अंदर चेंज करने के लिए, मगर यार ये डेलफुल पावर फ्रैंकी को सूट नहीं करती, क्योंकि यार फ्रैंकी तो पहले से ही साइबोर्ग है, उसने पहले से ही अपने बॉडी पार्ट को चेंज करा लिया है और यार मशीनें बिठा दी है अपने शरीर के अंदर। मगर मशीन को भी यार कभी कभी फ्यूल इंजेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है, मगर ऐसा हमारा फ्रैंकी तो हर रोज कर नहीं सकता। सो यार अगर इसके पास ये डेल फूड पावर होती तो वो इजीली से यार किसी भी अपने बॉडी पार्ट को चेंज कर लेता और फिर से नॉर्मल भी कर देता, तो ये काफी यूजफुल होता फ्रैंकी के लिए। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो यार जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो कि यार आपको इनमें से कौन से डेल फूड पावर पसंद आए और यार आपके लिए ये सब कुछ डेल पावर इन लोगों को सूट करते हैं या फिर तो नहीं, ये भी हमें बताते जाना। और साथ साथ में ये भी बताओ कि आपके लिए कौन सा डेल फूड पावर सबसे बेस्ट होगा और चूज करो कोई सा भी डे फूड और हमें नीचे कमेंट में बता दो। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।